आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। हरिद्वार में इस मौके पर दक्षेश्वर महादेव मंदिर सहित हरिद्वार के सभी प्रसिद्ध मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। सुबह से ही शिव भक्त भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने के लिए आतुर दिखाई दिए। कनखल के दावीज भंजन महादेव मंदिर पर सुबह से ही लंबी लाइन लगी। लोग भगवान शिव को मनाने के लिए हाथ में गंगा जल लिए खड़े हुए थे। मंदिर के पुजारी कृष्ण कुमार शास्त्री ने बताया कि सावन माह देवों के देव महादेव को बेहद प्रिय है। ऐसा कहते हैं कि जो भी इस माह सच्चे मन से शिव जी और माता पार्वती की पूजा अर्चना व्रत करता है उसे सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। करुणाकर भगवान शंकर जी का वास श्रावण मास में, भगवान ने वचन दिया है राजा दक्ष को कि मैं श्रावण मास में यहाँ निवास करूंगा और सभी की मनोकामना भगवान जी फल प्रदान करूंगा। तो ऐसा कहा जाता है कि श्रावण मास के जो पांच सोमवार हैं उसका विशेष महत्व है। जो दूर दही के शहर गिलोय के रस जो अभिषेक करता है उसकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। और कहा जाता है कि भगवान शिव पर बेलपत्री से 1008 नाम लेकर जो पूजन करता है उसकी सभी मनवांछित फल प्राप्ति होते। और कमल का भी बहुत बड़ा विधान है कि शांताकारं विग्रसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं कर्षं मेघवर्णं सुमंगलं लक्ष्मीकांतं कमलयानं योनिराणयतुं देवं सर्वभूतेषु। भगवान रामचंद्र जी जब लंका पर विजय पाना चाह रहे थे तो भगवान शंकर से आशीर्वाद लेना बहुत अनिवार्य है। तो भगवान शंकर जी ने भी भगवान रामचंद्र जी से परीक्षा लेने की कोशिश की कि एक कमल 1100 जब कमल होने वाले थे तो एक कमल कम पड़ गया।